हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। संदीप नहर जो कि सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त थे और MS धोनी जो फिल्म आई थी उस फिल्म में उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के कोस्टार की भी भूमिका निभाई थी, तो उनकी बहुत ही रहस्यमयी सर्कमस्टेंसेस में मौत हो गई है। तो अभी भी ये साफ नहीं है कि उनकी मौत किस वजह से हुई है। पुलिस ने अभी तक कोई कन्फर्म फैसला नहीं दिया है, नहीं सुनाया है। उन्होंने अभी एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट फाइल किया है और प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से उनका कहना था कि ये सुइसाइड हो सकता है, क्योंकि एक सुइसाइड नोट भी पाई गई है और एक फेसबुक पे पोस्ट भी उन्होंने किया था जिसमें ऐसी बातें लिखी थी कि वो गलत कदम उठा सकते हैं। लेकिन पुलिस का अभी कोई फाइनल इसमें फैसला नहीं आया है, इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। तो ये सुइसाइड है कि मर्डर है कि एक्सीडेंट है कि क्या है, अभी भी ये कन्फर्म नहीं कहा जा सकता। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए अभी वेट कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, फिर जो विसर की जो फिर एनालिसिस होती है, ये सब जो बाकी जो रिपोर्ट्स हैं वो आने के बाद ही ये कन्फर्म होगा कि संदीप नहर की मौत कैसे हुई है। तो अभी भी कोई भी अटकलें लगाना ये सही नहीं है। हालांकि एक सुइसाइड नोट ऐसा कहा जा रहा है कि मिला है, लेकिन मौत सुइसाइड की वजह से हुई है कि या कुछ और बात है, अभी इसकी जांच चल रही है और ये साफ तभी हो पाएगा जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएंगे। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इंतज़ार है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आएंगे दोस्तों मैं आपको बताता रहूँगा, लेकिन हमें अभी इंतज़ार करना है, किसी भी अभी नतीजे पर नहीं पहुँचना है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अभी जैसा माहौल चल रहा है दोस्तों कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हमें वेट करना है जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आती है इन्वेस्टिगेशन की, जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आती है हमें इंतज़ार करना चाहिए कि ये संदीप नहर की मौत कैसे हुई है। तो दोस्तों इंतज़ार है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय।